गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू ऑल इन ई वी एस ई लर्निंग क्लास क्लास आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्किल्स एट वर्क यानी काम में महारत हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि, कि काम में महारत अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह कामों में उनको महारत हासिल होती है और फिर मशीन और टूल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था और जेंडर एंड वर्क के बारे में भी पढ़ा था कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके कामों में बहुत मतलब अलग होते हैं पहले सिर्फ मर्द काम करते थे लेकिन बाद में फिर औरतें भी काम करने लगी हैं आज के वक्त में मर्द और औरत सब काम करते हैं तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सिक्स हैविंग फ़न रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डूइंग समथिंग टू रिलैक्स इज कॉल्ड रिक्रिएशन पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स लाइक टू हैव फन एंड एन्जॉयमेंट अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी एंड हैप्पी रिक्रिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिफ्रेश आवर सेल्फ देर आर डिफरेंट फेज टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स द मोस्ट कॉमन वंस आर विजिट टू द ज़ू सर्कल्स और फेयर्स हैविंग फन यानी मज़े करना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानि मनोरंजन एक्टिविटी मनोरंजन एक्टिविटी सरगर्मियाँ हम जो रिलैक्स होने के लिए जो कुछ करते हैं उसे मनोरंजन कहते हैं हर ऐज के लोग मज़े करना और इन्जॉय करना पसंद करते हैं सेहतमंद और हैप्पी रहने के लिए काम और खेल के दरमियान एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एक तवाज़न होना बहुत ज़रूरी है और मनोरंजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हम, जो हमें ख़ुद को हमें आपको को रिफ़्रेश करती है हमें लुफ्फंदोज़ करती है रिलैक्स होने के लिए और हमारे जहन को सुकून देने के लिए उसे रिफ़्रेश करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग तरीके हैं उनमें जो कॉमन चीज़ है वो है ज़ू में जाना सर्कस जाना या फिर मेलों में जाना ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादातर आम होती हैं विज़िट टू द ज़ू यानी ज़ू में जाना अ ज़ू इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सी ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ हम हर तरह के जंगली जानवर और बर्ड्स को देखते हैं देर आर बिग एंड वेल मैंटेन्ड ज़ूज इन ऑलमोस्ट ऑल द टाउन्स एंड सिटीज़ बहुत लगभग सभी शहरों में सिटी में वेल मेंटेन मतलब पूरे बरकरार तरीके से अच्छे से मेंटेन किया हुआ ज़ू बड़े या छोटे हर जगह होते हैं पीपल कैन स्पेंड अ होल डे सींग दिज एनिमल्स लोग जो होते हैं अपना पूरा वक्त इन जानवरों को देखने में गुजार सकते हैं ज़ू हैज फूड स्टॉल्स वेयर विजिटर्स कैन हैव फूड एंड ड्रिंक्स जू में फूड स्टॉल भी होते हैं जहाँ जो लोग देखने के लिए जो जू में घूमने के लिए जाते हैं वो वहाँ फूड और ड्रिंक्स दोनों ले सकते हैं खरीद सकते हैं देयर आर सर्टेन रूल्स डेट यू नीड टू फॉलो इन द जू दीज आर एज फॉलोज यहाँ पे कुछ रूल्स दिए जा रहे हैं कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो जू में फॉलो करने की ज़रूरत होती है उन्हें हमें ज़ू में फॉलो करना चाहिए उन्हीं जु, जु, रूल्स के बारे में यहाँ पर कुछ रूल्स दिए जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड नाट फीड एनिमल्स आपको किसी जानवरों को भी कुछ खिलाना नहीं चाहिए या आपको किसी जानवर का कुछ खाना भी नहीं चाहिए यू शुड नाट टीज़ द एनिमल्स इनसाइड द केजेस आपको किसी भी जानवरों को पिंजरे के अंदर परेशान नहीं करना चाहिए यू शुड नाट लीटर वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए यू शुड नॉट पुट योर हैंड्स इनसाइड द केजेस अपने हाथों को केज के अंदर यानी पिंजरे के अंदर नहीं डालना चाहिए अ विजिट टू द जू इज़ वेरी एजुकेटिव इन साइड द ज़ू यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स जू में जाना बहुत ही एडुकेटिव होता है बहुत ही वो नॉलेजमेंट होता है वहाँ जाने से जब आप जू के अंदर जाते हो तो आपको जानवरों के बारे में और परिंदों के बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह की उनके हकीक़तों के बारे में पता चलता है उनसे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो आप जब ज़ू के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पता चलता है